जीनत भाभी हमारे साथ नहीं आ सकती। क्या कह रहे हो तुम कबीर? हमें दुबई जाना है, रुखसार वहाँ पे अकेली है, वो मुसीबत में, हमें उसके पास होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। जुलाई 2018 में एक्सपायर हो गया। हाँ भाभी, हम रुखसार को नहीं मिल पाएंगे। कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। भाभी कोई बात नहीं, कबीर जा रहे हैं ना, आप फिक्र मत करिए। अल्लाह हाफिज़ भाभी। भाभी बेफिक्र रहिए, हम रुखसार को सही सलामत वापस लेकर आएंगे, किसी भी हाल में। सच तो ये कि इतनी अचानक से हर चीज हुई कि रुखसार का फोन आया और वो हमसे कहती है कि हमें सजाए मौत हो गई है और हमारी जिंदगी दांव पर है, तो बिना सोचे समझे हमने सब कुछ कर दिया। कबीर देखो, हम जानते हैं कि रुखसार ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की ना हर मुमकिन कोशिश की, हमारी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलना चाहा, लेकिन कबीर हम उसे बहुत पहले ही माफ कर चुके। हम तुमसे भी यही चाहते हैं कि तुम उसे माफ कर दो, और हमें पूरे यकीन कि तुम किसी गलत चीज का साथ नहीं दोगे। अगर सचमुच उसे मदद की जरूरत है ना कबीर, तो जाके उसे बचाओ। बात करते हैं। हाँ। क्या करियो जारा? जारा गाड़ी में आकर बैठो। जारा हमारी बात सुनो। अरे बैठो बैठो, सुनो जल्दी से अपनी जैकेट उतारो। जल्दी। क्यों? अरे उतारो ना, सवाल मत करो, टाइम नहीं है। क्या? जल्दी जैकेट उतारो। क्या उसमें? क्या है? खाली है। उतार। उतार। रुको रुको, उतार रे। अरे कर रहे, लोग देख रहे, क्या कर रहे? कौन देख रहा है? दो। पहले बोलो। पहले दो। पहले बोलो तो क्यों? क्यों? क्या था वो? कुछ नहीं। देखो, पहले ही हमारी शादी की रस्में अधूरी रह गई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रस्में खत्म हो गई। हाँ, तो? जब तुम रुखसार के साथ वापस लौटोगे ना, तभी रस्में पूरी करेंगे। लेकिन अगर तब तक हमें तुम्हारी गलती से इतनी सी भी याद आ गई, तो फिर ये जैकेट हमें तुम्हारे करीब होने का एहसास करवाएगी। खैर तुम ये पहन लो। वो कौन है? खालू। खालू जान है? कहाँ? खालू जान ना? हो सकता है तुम दुनिया की नहीं, पूरे जहां की सबसे अच्छी बीवी हो। वैसे तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो और बहुत अच्छे इंसान भी। पहनू? अभी तुम पहन भी तो कैसे रहे हो बच्चों जैसे?
भाभी भाभी कबीर तुम जानते हो ना कि हमारे अबू रुखसार के जन्म होने से पहले ही चल बसे थे हाँ भाभी हम जानते हैं और जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हमारा हाथ रुखसार के हाथ में देकर कहा कि आज से तुम ही इसकी निगबान हो तुम ही इसकी माँ जैसी हो इसलिए चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे कुछ भी बोले हम तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि रुखसार हमारे लिए बहुत खास है उससे अगर कुछ हो गया ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हम बर्बाद हो जाएंगे उसे कुछ होने मत देना भाभी रुखसार को बचाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे ये आप जानती हैं हम जानते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो मगर हो तो तुम इंसान ही ना और कभी कभी इंसान के मकसद में उसके उसके जज्बात हावी हो जाते हैं देखो हम जानते हैं कि रुखसार ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था वो बिल्कुल गलत था वो जैसी भी है तो हमारी बहन ना तो उसको उसकी गलतियों को सब कुछ माफ करके तुम उसे लेने जाना कोई भी मन मुटाव कोई भी रंजिश लेके मत जाना भाभी भाभी आपको ये बात बहुत अजीब लगी बस अभी कुछ देर पहले खैर छोड़िए और हमारा यकीन कीजिए कि रुखसार के लिए हम दोनों के दिल में कोई भी बुरा ख्याल नहीं है भाभी इन पे हाथ रख के कसम खाओ भाभी मगर कसम खाओ भाभी आप कबीर को कुरान शरीफ क्यों दे रही हैं हम चाहते हैं कि कबीर इन पे हाथ रख के कसम खाए हमें तसल्ली हो जाएगी भाभी वो वादा तो कर रहे हैं ना कुरान शरीफ इधर अरे भाभी आप बात सुनो हमारी बात भाभी नहीं मगर हमने वादा किया है ना तो कुरान शरीफ की कोई जरूरत नहीं 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 कबीर कबीर नहीं तुम इन पे एक बार हाथ रख के कसम खा लो हमारे मन में छोटा सा डर है वो चला जाएगा बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो कि रुखसार को बचाने के रास्ते में अगर अगर कोई भी रिश्ता या फिर कोई भी मुश्किल आई तो सब कुछ भूल भुला के सब कुछ हमारी बहन को सही सलामत वहां से बचा के हमारे पास ले आओगे बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो अभी आपको तो पता है कुरान शरीफ पे कसम नहीं खानी चाहिए जानते हैं बाजिद है भाभी आप कैसी बातें कर रहे हैं शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे हमारी बहन को जल्दी लेकर आना कब जी भाभी जरूर हम अपना ख्याल रखेंगे और हम भी अपना ख्याल रखेंगे हमें पूरा यकीन है कभी तुम कुछ गलत नहीं होने दोगे और तुम
रुखसार को बचा लोगे और फिर हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशें मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह। तुम भी तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने आ, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह बरकातु। सर, द थिंग इज आई वांट टू मीट अ प्रिजनर। हाउ डू आई मीट हर? ओह, हिंदी? यस यस सर, आई एम इंडियन। तो जनाब, हिंदी में बात कीजिए। जरूर सर, असल में मसला ये है कि हम एक कैदी से मिलना चाहते हैं। कैसे मिल सकते उससे? नाम? सर रुखसार। पासपोर्ट नंबर? सर पासपोर्ट नंबर है उसका P9777975। ओ, मौत की सजा, वो भी 3 दिन बाद। सर हमारी बात मानिए, इसलिए बहुत जरूरी कि हम उसे किसी भी हाल में मिले। जनाब परमिशन लाए हैं आप? परमिशन? कोर्ट की परमिशन। अभी इसलिए हमें कोर्ट जाना होगा। जनाब आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए जहाँ ये केस दर्ज है, वहाँ की पुलिस ही आपको कोर्ट की मदद दिलवाएगी। सब कौन से पुलिस स्टेशन में हमें जाना होगा? मुराकाबाद। अल मुराकाबाद? जी जनाब। ठीक है सर, शुक्रिया। श्याम, हमें लग रहा है लेफ्ट से लेना। हाँ, आगे से लेफ्ट लेना। तो सर बात यह है कि हम रुखसार के नामहरम हैं और जो उसकी बड़ी बहन है हमारी भाभी, उसने हमसे कहा है कि रुखसार की पैरवी करें, इसलिए हम ये एफिडेविट लाए। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हमारे शौहर बिजनेस के सिलसिले में साउथ अमेरिका गए हैं, हमारे बड़े भाई सर, इसलिए जल्दी दुबई नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमारी बहन रुखसार की पैरवी हमारे देवर कबीर अहमद करेंगे। हम सब सॉरी, पर आप यह एफिडेविट हमें नहीं शरिया कोर्ट में दीजिए। सर देखिए, आप हमारा यकीन कीजिए, हम ऐसा जरूर करते, मगर मसला यह है कि सर हमारे पास वक्त बहुत कम है और वक्त बर्बाद हो जाएगा। वक्त तो आपका शरिया कोर्ट में भी बर्बाद होगा, क्योंकि आपके पास जो एफिडेविट है वो हमारे दिल्ली के कॉन्सुलेट से अटेस्ट नहीं है। अब यहां खड़े रहकर भी आपका वक्त बर्बाद ही होगा, इसलिए जाइए और इसकी अटेस्टेड कॉपी मंगवाइए। सर 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 सर, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, इंडिया में ना हर ऑफिस सैटरडे संडे बंद रहता है, आपका ये जो दिल्ली वाला काउंसिलेट वो भी बंद रहेगा, हम कैसे कर पाएंगे सर? प्लीज सर, आप हमें कोई और रास्ता बताइए। अब ये तो रुखसार की बदकिस्मती है, जब तक आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आप उनसे नहीं मिल सकते। हाँ
हम आपके मुल्क के कानून की इज्जत करते बेशक सर, मगर ये एक जिंदगी की बात है सर। एक जिंदगी को चंद कागज के टुकड़ों में मत उलझाइए सर, प्लीज। हम आपसे प्लीज दरखास्त कर रहे हैं सर, प्लीज। आप जा सकते हैं सर, सिर्फ एक। शुक्रिया सर। सत्तानवे, अट्ठानवे, निन्यानवे और ये सौ। भाई इसको गिनते गिनते आधा दिन चला गया, सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ज़ारा बेटा। जी अलीना, हो गया बेटा तुम्हारा? जी अम्मी, पूरे सवा लाख हो गए। सवा लाख? ठीक है। अम्मी हाँ, आप ये सवा लाख चने क्यों गिनवा रहे हैं? वो इसलिए बेटा, सवा लाख चने इसलिए अलीना, ताकि रुखसार की सलामती के लिए हम सवा लाख बार आयते करीमा पढ़ सकें। हर एक जन एक चना उठाएगा, आयते करीमा पढ़ेगा और उसे इस थाल में डालेगा। ऐसे करके जब पूरे सवा लाख चने खत्म हो जाएंगे ना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए फिरोजा आपा, यास्मीन आपा। जब सारे सवा लाख चने खत्म हो जाएंगे ना, तो रुखसार की सलामती के लिए दुआ पूरी हो जाएगी। जी। लेकिन अलीना, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक भी चने का दाना ना इधर से उधर ना हो। बिल्कुल। अम्मी। हाँ बेटा। कबीर का फोन है। कबीर का फोन, जल्दी जल्दी उठाओ बेटा, देखो क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से पहुंच गए ना? सब ठीक? रुखसार कैसी है, मिल गई वो? हम खैरियत से पहुंच चुके, लेकिन ज़ारा सुनो हमारी बात, गौर से सुनो, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम जाके जीनत भाभी से पूछो कि हमदान कौन सी कंपनी में काम करे थे। हाँ हाँ पूछते हैं। जीनत भाभी। कबीर एक मिनट। जीनत भाभी, भाभी कबीर का फोन है। जीनत भाभी एक मिनट रुकना। कभी जीनत, भाभी संभाल के। कबीर, हेलो कबीर, रुखसार से मिले तुम? खैरियत से है ना वो? उसने उसे कुछ नहीं किया ना? क्या बोली वो भाभी? उसे खून नहीं किया ना? हाँ वो छूट जाएगी ना? नहीं नहीं, अभी तक रुखसार से नहीं मिल पाया, मगर क्या आप जानते हैं हमदान किस कंपनी में काम कर रहे थे? हाँ उसने उसने हमें बताया था, क्या था हमें याद नहीं आ रहा। एक मिनट। भाभी भाभी आराम से याद करिए, कोई बात उसने हमें बताया था। हाँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। भाभी भाभी जहन पर जोर डालिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमदान कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे। हाँ एक मिनट एक मिनट, हमें इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ग्लोबल ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, हाँ यही था। शुक्रिया शुक्रिया, बाकी बातें बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज, बाद में फोन करेंगे। ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। फोन काटती है। कोई बात नहीं भाभी, बाद में हम बात कर लेंगे। उसने आके तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की। सब ठीक होगा भाभी, आइए बैठ जाइए, रुखसार के लिए आयते करीमा पढ़ते हैं। आओ जीनत बेटा, रुखसार की सलामती के लिए। अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर। जनाब हम तो अपने घर कराची गए हुए थे, 10-12 दिन पहले लौटे, तो तब पुलिस हमारे पास पूछताछ के लिए आई, तभी पता चला हमें। आपको हमदान के कत्ल के बारे में 10-12 दिन पहले से पता था, और आपने किसी को भी इस बात की इत्तला नहीं की, उसके खानदान को, उसके दोस्तों को, किसी को नहीं? आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, किसी को कुछ नहीं कहा? जनाब हमदान के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमदान ने 3.5 महीने पहले हमारी कंपनी से रिजाइन दे दिया था। कह रहे थे कि अपनी एक नई कंपनी खोलेंगे।
शुक्रिया। उनकी बेगम रुखसार, उसके बारे में आपको कुछ भी पता है? कुछ भी, क्योंकि आज की तारीख में उन पर इल्जाम है कि वो उसकी कातिल है। ऑफिस के अपने कुछ क्लोज दोस्तों से हमदान कह रहे थे कि उन्हें बीवी बहुत खराब मिली है और उसे परेशान भी बहुत कर रही थी। अभी इत्तेफाक देखिए, फाइनली उनकी बीवी ने उन्हें मार दिया। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहां जाएं। मेरे मालिक, हम आप ही से दुआ कर सकते हैं। रुखसार से मिलना, किसी भी हाल में उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मदद कर मेरे मालिक, मदद कर।